उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दीवान शुगर मिल में एक ऑपरेटर की संदिग्ध मौत के बाद हंगामा हो गया। परिवार वालों का आरोप है कि किसी ने मिल में ही ड्यूटी के दौरान युवक की हत्या कर उसका शव मिल की मैली के टैंक में फेंक दिया। परिवार वाले रात भर युवक की तलाश करते रहे और सुबह होने पर युवक की लाश शुगर मिल के टैंक में तैरती हुई मिली, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। घटना मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना इलाके के अगवानपुर की है। मुरादाबाद के अगवानपुर में दीवान शुगर मिल में ऑपरेटर की नौकरी करने वाले अरमान अली का शव आज सुबह शुगर मिल के टैंक में मिलने के बाद परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। परिवार वालों का आरोप है कि शुगर मिल वालों ने युवक की कोई जानकारी नहीं दी और जब वह ड्यूटी के बाद घर नहीं पहुंचा तो वह उसकी तलाश में जुटे। सुबह होने पर मिल में ही युवक का शव पड़ा मिला। युवक का शव मिलने के बाद इलाके के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और हंगामा शुरू हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, इनके पिताजी भी इसी मिल में नौकरी करते थे, एक बार हुए जी। कितने समय पहले? करीब लगभग 8 साल 10 साल हो गए होंगे। उनका क्या हादसा हुआ था उनके साथ? उन्हें पता नहीं, इसमें कोई जब तो मुझे ज्यादा कंफर्म नहीं है कि क्या बात हो गई थी उन्हें, मगर यही जो है मिल के अंदर ही उन्हें जो है कुछ हो गया था। तो ऐसा क्या है कि एक ही मिल में एक ही परिवार के दोनों बाप बेटे मारे गए हैं जी, किस प्रकार? तो क्या इस पर आपका दृष्टिकोण है? भाई, हम चाहते हैं कि ये फैक्ट्री वाले जो मिल वाले जो दीवान शुगर मिल है, इनके जो मालिक एमडी साहब हैं, वो इनसे घनिष्ठता रखते थे, मगर इन्होंने 2 लाख का आश्वासन दिया था उन्हें देने के लिए, 2 पैसे नहीं दिए, फिर बाद में बेईमानी कर ली। अभी तक नहीं मिले वो? नहीं, 2 पैसे नहीं मिले। उनके बाप को 2 लाख देने का आश्वासन दिया था, 2 पैसे नहीं दिए। पहले उनका लड़का बीमारी कर लिया जी। अच्छा, लड़का के यहाँ पर किस पोस्ट पर काम करता था? यहाँ ये उसकी देखभाल करता था, ये जो क्या कहलाता है, पानी की। हाँ, ये जो मिल में आना हुआ क्या मामला था? एक मजदूर जो यहाँ पे काम करता था 22 वर्षीय, उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली है, जो ट्रीटमेंट बॉन्ड है उसमें मिली है, और पुलिस द्वारा उसका बॉडी कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से तहरीर जो भी दी जाएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, परिजनों को कुछ आरोप है मिल वालों को, तो क्या ऐसा कुछ है? क्या क्या